वही लॉस। एक तो क्या है उनसे, एक तो बापी अंकल जैसे लोग बनते नहीं हैं, मतलब उस तरह के लोग नहीं होते। म्यूजिशियंस आए हैं गए हैं, लेकिन इतना उनकी जो पर्सनालिटी है, इतने खुशहाल मिजाज के, जहाँ पे जिस कमरे में घुस जाते थे वहाँ पे ऐसे खुशियाँ बिखर देते थे। ये क्वालिटी है जो बापी अंकल की, वो हमेशा रहेगी मेरे साथ। और मुझे लगता है म्यूज़िकली ऑल्सो जिस वक्त वो आए, उस वक्त आकर बॉलीवुड में जगह बनाना, अपना एक अलग छाप छोड़ना, अपनी तरीके की म्यूज़िक करना और छा जाना, एक दशक तक छाए रहे, वो बहुत बड़ा यू नो इट्स अ बिग थिंग, नहीं होता इतना आसानी से। और मुझे लगता है बापी दा को सिर्फ ऐसा, आजकल जैसे ट्रिब्यूट में हर लोग मैसेज कर रहे हैं कि यू नो डिस्को किंग इज नो मोर, एंड मुझे लगता है डिस्को तक बांध के नहीं रखना चाहिए। वो बहुत विशाल थे। किशोर दा के कुछ बेहतरीन गाने जो है ना बापी दा ने दिए हैं, और आई थिंक वी शुड, और वो टाइमलेस है क्योंकि आज भी उनके गाने रिमिक्सेज होते फिर हिट हो जाता है। विल मिस हिम। कोई कुछ ऐसी मेमोरी जो कुछ है गाना था आपकी, कोई फन लविंग मेमोरी? कुछ नहीं, बापी दा से कभी मिलते थे, बुलाते थे, हाथ से बैठाते थे बगल, और बहुत क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, और जैसे ही मैं बोलता था अभी काम नहीं है कुछ प्लान कर रहा हूँ, तो इनकरेज करते थे। मतलब बापी दा का यही था कि काम करते रहो, और बापी दा आखिरी वक्त तक बापी दा खुद काम करते रहे, मतलब ही वॉज स्टिल कंपोजिंग गिविंग म्यूजिक इज़ अमेजिंग। थैंक यू। अपने हाइट टेंशन है, अरे छोड़ो तुम छप्पड़ दे भाई, पीछे आएंगे तो फुल नहीं, फुल मिल जाएगा भाई। भाई आपका कैमरा पीछे लो ना भाई, कैमरा पीछे पीछे लाइट मार रहे, जान तो छोड़ दो, आगे मत जाओ। फोटो पे ध्यान दो, फोटो पे ध्यान दो, क्या
चलो पीछे 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 सर पीछे चलिए हो गया।